జూన్ 4న ఈవీఎంలను తిట్టిపోసేందుకు ఇండియా కూటమి నేతలు రెడీ అవుతున్నారని ఎద్దేవా చేశారు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా నరేంద్ర మోదీని మూడోసారి ప్రధానమంత్రిని చేసేందుకు దేశ ప్రజలు ఎప్పుడో నిర్ణయించుకున్నారన్నారు ఉత్తరప్రదేశ్లోని గోసిపూర్లో బీజేపీ ఎన్నికల ర్యాలీలో మాట్లాడారు కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా కాంగ్రెస్ ఎస్పీ పై విమర్శలు గుప్పించారు मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए, जिताओगे कमल के निशान पर बटन दबाओगे 400 पार कराओगे मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए उठाइए सभी लोग दोनों हाथ विजय के संकल्प का मुट्ठी भी 4 तारीख को परिणाम आने वाला है मोदी जी 400 पार करने वाले हैं और मैं एक और भविष्यवाणी कर जाता हूं 4 तारीख को 2 बजे राहुल बाबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वो कहेंगे हम चुनाव ईवीएम के कारण हारे हैं ईवीएम के कारण अरे राहुल बाबा नाचना न आए आंगन टेढ़ा भैया ईवीएम नहीं हराएगा आपको ये मेरे चंदोली के शेर हराने वाले हैं शेर भाइयों बहनों किस किस के बीच में लड़ाई एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाले एक गमंडिया गठबंधन कांग्रेस समाजवादी पार्टी और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी जिस पर 25 पैसे का आरोप नहीं है ऐसे हमारा नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी कर्नाटक तेलंगाना लो ओट्लु कुरिपिंचिन महालक्ष्मी पथकं पै भारी आशले पेट्टुकुन्नारु कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्रंलो इंडिया कूटमि अधिकारंलोकि वस्ते ई स्कीम्नु देशव्याप्तंगा अमलु चेस्तामनि हामीलु इस्तुन्नारु बीहार लोनी आरालो कांग्रेस र्यालीलो मात्लाडारु राहुल गांधी नेलकु 8500 रूपायलु पेद महिळल खातालो जम चेस्तामनि तेलिपारु उन्होंने अरबपति बनाए हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं और कैसे करेंगे बता रहा हूं यहां पे हर डिस्ट्रिक्ट में हर गांव में हर शहर में हिंदुस्तान के गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी करोड़ों लोगों की लिस्ट बनेगी उसके बाद हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा करोड़ों महिलाओं के नाम चुने जाएंगे 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी 5 जुलाई को करोड़ों परिवार सुबह उठेंगे अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे और बैंक अकाउंट में 5 जुलाई को 8,500 रुपए अंदर जुलाई में मिलेगा अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी चलता जाएगा फटाफट फटाफट फटाफट